हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना जैन और द क्वीन ऑफ किचन में आपका स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं रागी यानी नाचनी के पापड़। ना बेलने की ज़रूरत है ना लोट बनाने की। बहुत ही आसान तरीके से भाप पर बने हुए रागी के पापड़ आज हम बनाएंगे और फ्राई करने के बाद साइज़ में 3 गुना बढ़ जाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बनाना एकदम आसान है, चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। रागी के पापड़ बनाने के लिए हमें यहाँ पर 1 कटोरी रागी का आटा चाहिए। इसकी रेसिपी मैंने पहले ही अपलोड की हुई है, एक खास तरीके से इसे बनाया जाता है। देन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 ही कटोरी चावल का आटा। नेक्स्ट इसमें जाएगा 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं दरदरी कूटी हुई काली मिर्च, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून मैं इसमें तिल भी ऐड कर रही हूँ। ये गया इसमें नमक और जस्ट 1/4 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे, मतलब 1/4 टीस्पून हमें इसमें ऐड करना है पापड़ खार, या आप यहाँ पर सोडा का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए पानी डालकर हमें इसका बैटर प्रिपेयर करना है। सॉरी दोस्तों, पानी ऐड करते समय मेरा कैमरा ऑफ रह गया था, तो बस हमें इसमें 3 कटोरी पानी ऐड करके इसका बैटर प्रिपेयर करना है अच्छे से। बिना गुठलियों वाला बैटर तैयार करेंगे, ध्यान रहे इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहने पाए। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं कटोरी और एक कढ़ाई चढ़ा रही हूँ गैस पर, इसमें पानी डाल दूँगी। बीच में इस तरह का एक वायर रैक भी हमें रखना है और देखिए एक जाली वाली थाली भी मैं इसके अंदर रख रही हूँ। पानी डालकर उबालने के लिए इसे छोड़ देते हैं। इन पापड़ों को इस तरह से भाप पर बनाना एकदम आसान है और टेस्ट में बहुत ही लजीज लगते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। चलिए अब इसे छोड़ देते हैं उबाल आने तक। तब तक हम क्या करेंगे, ये जो प्लेट्स हमने यहाँ पर ली हैं, एक साइज़ की सभी प्लेट्स का यूज़ करेंगे तो पापड़ सभी एक साइज़ के तैयार होंगे। हल्का सा ऑयल लगाकर इन प्लेट्स को हमें ग्रीस करना है ताकि इसमें जो पापड़ बनेंगे वो आसानी से डिमोल्ड हो जाएंगे। अब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बैटर हमें इसमें ऐड करना है। ज़्यादा बैटर अगर ऐड करते हैं तो आपके जो पापड़ हैं वो ज़्यादा मोटे हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल 1/2 चम्मच ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं इस बैटर को। अच्छे से इसे फैलाएंगे और प्लेट्स को हमें ऑयल लगाकर ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रागी का जो आटा होता है थोड़ा स्टिकी होता है तो पापड़ आसानी से रिमूव नहीं होंगे। सो चलिए अब पानी में भी उबाल आने लग गया है, तो प्लेट को मैं थोड़ा उल्टा कर देती हूँ क्योंकि इस पर प्लेट्स एडजस्ट होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और बस अब एट अ टाइम मैं कम से कम इसमें 4 प्लेट्स इस तरह से अरेंज करूँगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पापड़ एक बैच में तैयार हो जाएं। और बस अब हमें इसे केवल 1 मिनट तक भाप पर कुक करना है, देन हम इन्हें निकाल लेंगे। और 1 ही मिनट बाद आप देख पाएंगे कि आपके जो पापड़ हैं स्टीम कुक हो गए हैं, इन्हें अब हमें निकालना है। तो दूसरी प्लेट्स मैंने तैयार करके रखी हैं, इन प्लेट्स को निकाल लेंगे और दूसरी वाली प्लेट्स इसके अंदर अरेंज करते हैं। जब तक कि ये जो पापड़ हैं स्टीम कुक हो जाएंगे तब तक हम इन पहली निकाली हुई थालियों में से पापड़ को निकाल लेंगे। दोस्तों, इससे पहले भी कई सारी गर्मियों में तैयार होने वाले पापड़ खारोड़ा की रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पर चेक कर सकते हैं और रेसिपी देख सकते हैं। सो चलिए अब हम ये जो प्लेट्स हमने यहां पर निकाल ली हैं तो टूथपिक का यूज़ करके इसे जो साइड एजेस हैं उसे फ्री अप करेंगे और इन पापड़ों को निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एकदम आसानी से पापड़ रिमूव हो रहे हैं और देखिए एकदम पतला पतला बढ़िया सा पापड़ तैयार हो गया है। अब हम इसे एक कपड़े के ऊपर निकालेंगे और कपड़े के ही ऊपर हमें इसे 1 दिन में फैन में सुखाना है। दूसरे और तीसरे दिन हम इसे कड़ी धूप में सुखाएंगे, मतलब 2 दिन तक हम इसे कड़ी धूप में सुखाएंगे, देन आपके जो पापड़ हैं स्टोर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप इन्हें साल भर तक के लिए भी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिक रेसिपीज शेयर करती रहती हूँ। और हाँ, बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकॉन पर क्लिक नहीं करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशंस पहुँच नहीं जाएगी। देखिए 1 ही मिनट के अंदर हमारे ये भी पापड़ तैयार है। इसी तरह से इन्हें भी निकाल लेते हैं, चाहे टूथपिक से निकालिए या इस तरह से स्पून का यूज़ करके इसे निकाल लीजिए।
इस रेसिपी को देखने के बाद आपको रेसिपी कैसी लगी या ट्राई करने के बाद आपके जो अनुभव हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। नाचनी के इन पापड़ को अगर हम बेल के बनाते हैं तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, मेहनत भी लगती है, लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से और जल्दी जल्दी पापड़ तैयार हो जाते हैं। चलिए इसी तरह से बाकी के पापड़ भी हम तैयार कर लेंगे। तो वीडियो ख़त्म होने से पहले दोस्तों आपको इस रेसिपी के लिए एक लाइक ज़रूर करना है और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। देखिए इस तरह से सभी पापड़ मैंने बना लिए हैं। एक दिन तक इसे फैन में और दो दिन तक धूप में सुखाने के बाद आप देख रहे हैं इस तरह से डार्क चॉकलेटी कलर में हमारे जो पापड़ हैं तैयार हो जाएंगे। एक पापड़ मैं आपको यहाँ पर फ्राई करके भी दिखाती हूँ कि फ्राई होने के बाद साइज़ में 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इसके टेस्ट के तो क्या कहने, आप इसे ज़रूर ज़रूर पसंद करेंगे। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।